हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज मेरे तैयारी को देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मेरा जो केक बनने वाला है वो सेमी फोंडेंट बनने वाला है और ये एक एनिवर्सरी के लिए बना रही हूँ मैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। 2 पाउंड का केक बनाना है मुझे, तो मैंने लिया है 2 कप से थोड़ा सा कम वनीला प्रीमिक्स, क्योंकि इसमें अभी मैं टूटी फ्रूट भी डालूंगी और 2 पाउंड का केक है तो हेवी हो ही जाता है क्रीम वगैरह से, तो ओवर वेट ही जाएगा, कम नहीं वेट होगा इसका। मैं वेट करके भी आपको दिखा दूंगी। तो इसको मैंने इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और 2 टीस्पून ऑयल डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाला है रेड और ग्रीन कलर का। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इससे टेस्ट और जब केक कटता है ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। कट एंड फोल्ड भी कर लेंगे अच्छे से। अब इसको बेक करना है मुझे 8 इंच वाले टिन में, तो सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। एग्जैक्ट ये 8 इंच का टिन नहीं है मेरा, 8 से 9 इंच के बीच का है, तो उसमें मैंने सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, टैप कर लिया है। अब इसको लेके चलेंगे ओवन की तरफ। ओवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्री पर, दोनों रॉड को ऑन करके, अब नीचे वाली रॉड को ऑन कर दिया था मैंने, उस पर इसको बेक करेंगे 45 मिनट तक। अब मुझे फोंडेंट का कुछ डेकोरेशन बनाना है, तो मैंने ब्लैक कलर का फोंडेंट लिया है, इसमें टाइलेस पाउडर मिलाया है ताकि अच्छे से हार्ड हो जाए, ये टॉपर गिरे ना इसलिए। इसको अब थोड़ा मोटा ही बेलना है मुझे, और इस तरह का स्टेंसिल आता है, प्लंगर कटर आता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एक्चुअली जो केक पर डेकोरेशन है ना वो मुझे सेंड की गई है, वैसे ही मुझे बनाना है, तो वो मैं देख रही थी कि कौन सा वाला जो इसमें से शेप है वो लगा हुआ है, तो मैं 2-3 शेप काटूंगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके ऊपर वो मैं वही लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से उसको डाल के प्लंगर कटर को प्रेस करना अच्छे से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फोंडेंट मोटा लिया है तो मुझे अच्छे से प्रेस करके इसको निकालना है, क्योंकि अगर आप पतले फोंडेंट से बनाइएगा तो अगर कंप्लीट केक के ऊपर चिपकाना है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है तो वो गिर जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आप फोंडेंट मोटा भी रखिएगा और थोड़ा सा टाइलेस पाउडर डाल के उसको हार्ड भी कर लीजिएगा, तभी हो पाएगा। देखिए इतना मोटा है कि मैं इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर रही हूँ। अब इसे निकाल लेना है, बहुत आराम से निकाल लीजिएगा, निकल जाता है इजीली। अब थोड़ा सा हाथ से इसको हम बराबर कर देंगे, कहीं पर रफ एज ना रहे इसका। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी निकाल लिया, हालांकि ये वाला जो ये गर्ल वाला जो है ना ये मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने दूसरा कट कर लिया था जिसमें गाउन पहने हुए गर्ल है, क्योंकि जो पिक्चर मुझे दी गई है उसमें जो लड़की बनी हुई है वो गाउन पहने हुए है, तो एग्जैक्ट वैसा प्लंगर कटर मेरे पास नहीं था तो मैंने काम चला लिया इस तरह से। बाद में मैंने ये वाला कट कर लिया था, सिर्फ उसका एक पार्ट ही कट किया था, तो ये सही लग रहा था, जैसा मैं मेरे पास पिक्चर जैसी आई थी उस टाइप का लग रहा था। तो अब ये हो गया, इसको साइड में रख दिया। अब मुझे कुछ हार्ट बनाना है, हार्ट कट करना हर शेप का, बड़ा छोटा बहुत छोटा, मतलब बहुत सारा हार्ट बनाना है पूरे केक के ऊपर वो लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से, ना बहुत मोटा बेलना है ना ही बहुत पतला करना है, क्योंकि ये भी स्टैंडिंग पोजिशन में रहेगा। वैसे मेरे पास कुकी कटर है बड़े साइज़ का, तो वो उससे काट लिया है और फिर कुछ प्लंगर कटर से छोटा हार्ट भी काटा है, तो बहुत सारा हार्ट मैंने कट किया है, कुछ रेड भी काटना था और कुछ पिंक भी लेना था। तो बस इसी तरह से काट लेना है, सारे हार्ट को मैंने निकाल लिया है। और हाँ, ये तो बाज़ार वाला फोंडेंट है, मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फोंडेंट आप घर में कैसे बना सकते हैं बहुत अच्छा टेस्टी फोंडेंट, जो कि खाने में भी अच्छा होगा, उसका फ्लेवर भी होगा और उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, कलर कैसे मिलाना है फोंडेंट में, सब सारी चीज़ की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी।
अब ये जो पिंक कलर का हार्ट है ना, उसको रेड कलर के हार्ट के ऊपर चिपकाना है। तो चार या पांच मुझे ऐसा बनाना था। तो बस ऐसे पानी लगाना है एक के ऊपर, और एक टूथपिक रखनी और दूसरे हार्ट को इसके ऊपर रख करके अच्छे से प्रेस कर देना है। मैं इसकी फ़ोटो भी शेयर करूंगी जो मुझे कस्टमर ने सेंड की थी और जो मैंने बनाया वो दोनों, और आप बताइएगा कि दोनों एक जैसा बना है या नहीं बना है। तो ये सारा रेडी हो गया मेरा, सब छोटा बड़ा हर साइज का हार्ट और मेरा ये टॉपर सब रेडी हो गया। अब मुझे वनीला फ्लेवर का केक बनाना था, तो इसके अंदर मैं हमेशा वाइट चॉकलेट का गनाश डालती हूँ, क्योंकि प्लेन वनीला फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो चेरी का क्रश डालती हूँ या फिर वाइट चॉकलेट गनाश। तो मैंने कस्टमर से पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि वाइट चॉकलेट का गनाश डाल दीजिएगा। तो बस केक भी मेरा बेक हो गया है, ठंडा हो गया है। तो अब इसको 3 लेयर में कट कर लेते हैं। तो देखिए अंदर से कितना अच्छा देखने में लगता है केक, अगर आप टूटी फूटी डाल देते हैं तो मैं अक्सर ही डालती हूँ, किसी भी फ्लेवर के केक में डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब ये क्रीम है मेरे पास, इतनी क्रीम ली है मैंने कि जो के अंदर मतलब लेयरिंग में चली जाए और क्रम कोटिंग मेरी हो जाए। उस क्रीम में मैंने वनीला एसेंस मिला दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सारी क्रीम को हम एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। अब चीनी पानी का मिक्सचर मैंने बना लिया है इसकी सोकिंग के लिए। थोड़ी सी क्रीम बोर्ड पर लगानी है और बस वही प्रोसेस है कि पहली लेयर रखनी है, और केक को मैंने एक साइड पर रखा, मतलब एक साइड में थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ी है और एक साइड में थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर आगे में मुझे डेकोरेशन करना है इसी वजह से। अब केक को हम अच्छे से सोक करेंगे, क्योंकि एक केक जो है मुझे सुबह में देना है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर सुबह केक देना होता है तो क्रम कोट करके रख देती हूँ और सुबह में फाइनल फ्रॉस्टिंग करके और उसके बाद इसकी डेकोरेशन को कर देती हूँ। इससे क्या होता है, केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और काम भी आसान हो जाता है। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है और इसके ऊपर लगाना है वाइट चॉकलेट का गनाश, और अच्छे अमाउंट में लगाना है, क्योंकि टेस्ट इसी से आएगा आपके इस केक में। तो मैंने बहुत अच्छे से लगाया है, दूसरी लेयर भी लगा दी है और इसकी भी सोकिंग कर ली, और इसी तरह से मैंने अपने सारे केक की आइसिंग कर ली है। अब ऊपर वाले लेयर को भी अच्छे से हम सोक कर लेंगे, और सोक करने के बाद इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो जब आप रात में केक बना के रख रहे हैं या आपका केक 3-4 घंटे रहने वाला है आपके पास, तो फिर आप इसी सोकिंग अच्छे से कीजिए, नहीं तो फिर केक बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो बस इसकी मैंने अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी है, स्क्रैपर भी घुमा दिया है, ऊपर से भी बराबर कर दिया है। अब ये वाइट क्रीम से मुझे इसकी ऑफ वाइट क्रीम से फ्रॉस्टिंग करनी है। तो पाउडर डस्ट कलर जो होता है वो मिलाया है क्रीम के अंदर थोड़ा सा, तो देखिए इस तरह का ऑफ वाइट कलर बन जाता है। ये आप येलो जेल कलर या कोई भी कलर मिलाइएगा तो ये कलर नहीं बनेगा। ये ऑफ वाइट बनाने के लिए आपको हमेशा पाउडर कलर की को ही मिलाना पड़ेगा। अब पाइपिंग बैग में मैंने भर लिया है, अब इससे फाइनल इसकी आइसिंग कर रही हूँ मैं। तो अच्छे से क्रीम लगा देना कहीं पर गैप छोड़े बगैर, और सबसे पहले हम ऊपर बराबर करेंगे। तो ऊपर अच्छे से बराबर कर देंगे, जो भी एयर बबल हो क्रीम के नीचे आ जाता है उसको निकाल देंगे। फिर साइड भी बराबर कर लेंगे एक बार पैलेट नाइफ से, उसके बाद स्क्रैपर घुमा के क्लीन कर लेना है। क्रीम की कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी तो आपको फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और बस अब एक्स्ट्रा क्रीम जो है उसको हम बाहर से अंदर की तरफ नाइफ को लाते हुए बिल्कुल क्लीन कर देंगे। देखिए ऊपर का भी जो फिनिशिंग है मेरी अच्छी हो गई है, थोड़ा सा और अच्छा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जबकि इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर मुझे स्वर्ल ही बनाना है। तो बस छोटा वाला पैलेट नाइफ उठाया मैंने और इस तरह से पैटर्न बना दिया है। तो एक बार अगर अच्छा पैटर्न नहीं बने तो दोबारा आप घुमा लीजिए, तो मुझे एक दो बार करना ही पड़ जाता है। उसके बाद सेम साइड में भी कर लेंगे इसी तरह से। तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाला आजकल देखने में।
तो मुझे फिर सही नहीं लगता, जब भी तो मैं दोबारा नाइफ ज़रूर घुमाती हूँ कहीं पर भी। जब तक मेरा परफेक्ट नहीं होगा, जब तक मैं उसके ऊपर काम करती रहती हूँ। तो ये अब मेरा हो गया है परफेक्ट। अब मुझे बनाना है छोटा छोटा पर्ल वाला बॉर्डर रेड कलर में। जैसा जैसी पिक्चर मेरे पास आई थी सेम मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बस एक तरह का पर्ल बनाना है और बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम इसमें रखनी है। क्रीम थोड़ी सी भी स्टिफ होगी तो ये पर्ल अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद मैंने इस पर सिल्वर लस्टर डस्ट से स्प्रे किया और क्या गज़ब की शाइन आ गई थी। बहुत प्यारा लग रहा था देखने में ये। अब इसके ऊपर मुझे नाम बोर्ड पर नाम लिखना है। तो ये जो है फ्रिज में रखने की वजह से ठंडा है बोर्ड, तो आराम से ये जो है फॉन्डेंट चिपक जाएगा। तो बस मैं अरेंज कर रही हूँ इस तरह से, मतलब जैसे जैसे वो पिक्चर में था मैं एग्जैक्ट वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। अब मैं देख रही थी कहाँ पर मैं इसको चिपकाऊँ, तो सेंटर देख करके मैंने ये चिप कपल को चिपका दिया है। और फिर ये हार्ट सबको मैं देखती जा रही थी कि कहाँ कहाँ पर कैसे है, और वैसे लगाती जा रही थी। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि पिक्चर कैसी थी और मैंने कैसा बनाया है, आप देख के ख़ुद मुझे बताइएगा। तो ये हार्ट जो स्टैंडिंग पोजीशन में था वो लगा दिया है। उसके बाद जो ये इस तरह से लगा हुआ था हर जगह पर बोर्ड पे, फिर केक के ऊपर, हाफ केक के ऊपर कंप्लीट ये दोनों कलर का हार्ट लगा हुआ था। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में मैं लगा रही थी। केक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जिनके लिए बनाया था उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी किया मुझे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस साइड भी नाम के कुछ हार्ट लगा हुआ था छोटा बड़ा, और उस साइड भी था बना हुआ लगा हुआ। और कुछ हार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया छोटा वाला, तो मैंने उसे ऐसे डायरेक्ट स्टैंड कर दिया था। ये नहीं था पिक्चर में, मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही कर दिया था। ये रेड वाला जो पर्ल है ये भी पिक्चर में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से किया, मुझे सादा सादा लग रहा था तो थोड़ा सा रेड पर्ल डाल दिया और फिर एक साइड में वाइट पर्ल डाल दिया। कुछ तो मेरा अपना भी होना चाहिए, सारा चीज़ पिक्चर से देख के तो नहीं कर सकते हैं। ये है वो पिक्चर जो उन्होंने सेंड की थी और ये मैंने बनाया है। डेकोरेशन कैसी लगी? बहुत प्यारी लग रही है ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए मैं इस केक का वेट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना हुआ है। तो देख लीजिए लगभग 150 ग्राम ये ओवरवेट हुआ है। तो कोई बात नहीं, इतना ओवरवेट होना भी चाहिए। और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे आया था व्हाट्सएप पर। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक एनिवर्सरी का टैग लगा दिया था, एक कैंडल लगा दी थी।